नमस्कार और स्वागत है आपका ओपेरिनिस्टिक में। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे जिसका विकास गुप्ता एम्पायर में हुआ था। तो गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। पिछले एपिसोड में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से लिटरेचर का और आर्ट का विकास गुप्ता एम्पायर में काफ़ी कुछ हुआ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी विकास गुप्ता एम्पायर में किया गया और गुप्ता एम्पायर के जो राजा लोग थे इन्होंने काफ़ी वैज्ञानिकों को, ज्योतिषाचार्य जैसे लोगों को और इस तरह के लोगों को काफ़ी बढ़ावा दिया। एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स ये सब चीज़ पे काफ़ी काम हुआ। तो आज हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे YouTube चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे Facebook पेज को भी लाइक करिएगा। तो आइए हम लोग आज चर्चा करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर जो है वो अनपैरल्ड है फॉर इट्स अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी भी दूसरे साम्राज्य में मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी का इतना विकास नहीं हुआ। हालांकि बाद में जब गुप्ता पीरियड समाप्त हो गया, जब गुप्ता एम्पायर समाप्त हो गया, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया हो इस नॉलेज का ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बाद जब 11वीं-12वीं शताब्दी के बाद कल्चर का कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, जब अलग अलग कल्चर आपस में टकराने लगे, तो एक कल्चर को हटा के दूसरे को स्थापित करने के चक्कर में बहुत सारा नॉलेज खो गया। और इसीलिए गुप्ता एम्पायर में जितना विकास हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसका फ़ायदा आगे की पीढ़ियां नहीं उठा पाई। लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी का जितना विकास इस साम्राज्य में हुआ उतना किसी भी अन्य साम्राज्य में नहीं हुआ था। आर्यभट्ट इसी साम्राज्य में थे, एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। आर्यभट्ट द ग्रेट मैथमेटिशियन रोट आर्य भाटिया एंड सूर्य सिद्धांता। आर्य भाटिया और सूर्य सिद्धांता, इसमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इवन इसमें जो अंतरिक्ष है उसके बारे में बहुत सारे गुप्त रहस्यों को खोला गया है। इसमें मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का, जियोमेट्री का और बहुत सारे सूत्रों को इसमें बताया गया है। तो बहुत सारी जानकारी इसमें है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा संकलित रूप जो है वो अगली पीढ़ियों तक नहीं पहुंच पाया था। तो आर्यभट्ट आज भी जैसे हम लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यूरोपियन बाद में लाए, हमारे देश में पहले थी, तो आर्यभट्ट भी ऐसे ही थे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एस्ट्रोनॉमी के बारे में, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले बताई थी, लेकिन आगे की पीढ़ियां उसको संकलित करके नहीं रख पाई और अगली पीढ़ियों तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें अब उनका क्रेडिट जो है वो यूरोपियंस को जाता है। इन आर्यभाटिया ही डिस्क्राइब्ड द प्लेस वैल्यू ऑफ द फर्स्ट 9 नंबर्स एंड द यूज़ ऑफ ज़ीरो। एक बात आपने सुनी होगी, बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी और बहुत फेमस बात है कि ज़ीरो का आविष्कार भारत में किया था। यूज़ ऑफ ज़ीरो जो है वो आर्यभाटिया नाम की पुस्तक में आर्यभट्ट ने ही बताया था कि ज़ीरो को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि प्लेस वैल्यू बदले। तो प्लेस वैल्यू के बारे में, फर्स्ट 9 नंबर्स का जो प्लेस वैल्यू था वो किस तरह से उसको ज़ीरो का इस्तेमाल करके बदला जा सकता है, ये आर्यभाटिया में बताया था। ही ऑल्सो कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई एंड इन्वेंटेड एलजब्रा। पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 जो हम लोग आज जानते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो कई पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट्स तक आर्यभाटिया नामक पुस्तक में आर्यभट्ट ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी। और इसका बहुत ही सुंदर उन्होंने सूत्र भी बनाया था जिससे बहुत सारे डिजिट्स तक ये पाई की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की गई थी। एलजब्रा का इस्तेमाल जहाँ पे किसी एक या दो वैल्यूज़ को अननोन मान के उसकी वैल्यू निकाली जाती है, इस तरह से जो एलजब्रा का जो इस्तेमाल था वो आर्यभाटिया नाम की पुस्तक में आर्यभट्ट ने बताया था। सूर्य सिद्धांत जो कि एस्ट्रोनॉमी की बुक है, इसमें इन्होंने प्रूव किया था, ही प्रूव्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। ये सूर्य सिद्धांत में बड़े ही साफ साफ शब्दों में, बड़े ही आसान शब्दों में उसमें बताया हुआ है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। और न सिर्फ पृथ्वी बल्कि अन्य कई ग्रह भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और सबका एक एक्सिस होता है जिस एक्सिस पे ही ये चलते हैं। तो ये बड़े ही
अच्छे तरीके से सूर्य सिद्धांत में आर्यभट्ट ने बताया था. इन दिस वे ही डिस्कवर्ड द कॉज ऑफ द सोलार एंड लूनार एक्लिप्सिस एंड द मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द टाइमिंग्स ऑफ देयर ऑकरेंस. तो सूर्य सिद्धांत में ही इन्होंने ये सब बताए हैं कि कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब लूनर एक्लिप्स लगेगा, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण इनके कारण क्या होते हैं ये इन्होंने बताया है, और किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है कि कब सूर्य ग्रहण लगेगा और कब चंद्र ग्रहण लगेगा. ही ऑल्सो सेड दैट द हेवनली बॉडीज लाइक द मून वॉज स्फेरिकल एंड दे शाइन बाई रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन. सूर्य सिद्धांत में यह भी बताया गया है कि मून जैसे हेवनली बॉडीज जो हैं वो गोल हैं, स्फेरिकल इन शेप हैं, और वह सूर्य की रोशनी से चमकते हैं. तो बहुत सारा इसमें गूढ़ ज्ञान जो बताया गया है, हालांकि वो आगे की पीढ़ियों तक बहुत ही सेम तरीके से नहीं पहुंच पाया. ये हमारी कमजोरी रही, ये हमारे हिस्ट्री में ये सब चीज़ें थी लेकिन हम लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए, ये कमजोरी हमारी थी. लेकिन सूर्य सिद्धांत यदि इस पुस्तक को पूरी तरह से पढ़ा जाए तो बहुत सारा ज्ञान जिसका हम क्रेडिट यूरोपियंस को देते हैं वो इस बुक में मिल जाता है. वराह मिहिर भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने पंच सिद्धांत टीका ये बुक लिखी थी, बृहद संहिता लिखी थी और बृहद जातक भी लिखी थी. इन्होंने भी यही कहा था कि मून मूव्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ टुगेदर विद द मून मूव्स अराउंड द सन. तो ये भी आर्यभट्ट की तरह ही खगोल के विषय पर बहुत ज़्यादा इन्होंने रिसर्च किया था, और इन्होंने ये बताया था कि मून जो है चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है और पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है. तो ये सारी की सारी नॉलेज इन्होंने इस अपनी अपनी जो रचनाएं थी उसमें लिखी थी. ब्रह्मगुप्त एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए उस जमाने में. ब्रह्मगुप्त वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन और ब्रह्मगुप्त वॉज द फर्स्ट टू गिव रूल्स टू कंप्यूट विथ जीरो. आर्यभट्ट ने भी किया लेकिन माना जाता है कि ब्रह्मगुप्त वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीरो का एक्चुअल इस्तेमाल करना बताया था. ही वॉज द फर्स्ट टू गिव रूल्स टू कंप्यूट विथ जीरो. जीरो लगाने से आगे या पीछे किस तरह से वैल्यूज चेंज होती हैं और इस वैल्यूज को किस तरह से आगे चल के मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में यूज किया जाएगा, ये सारी की सारी चीजें ब्रह्मगुप्त ने बताई थी. ही रोट ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांता इन विच ही हिंटेड एट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांता इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे जो फिजिक्स से संबंधित है ये काफ़ी कुछ ही बुक. इसमें आपको ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है. हालांकि इसको थोड़ा सा कठिन शब्दों में है ये, इसलिए बहुत सारे लोग शायद इसको अगली पीढ़ियों तक नहीं पहुंचा पाए, शायद इसी वजह से क्योंकि वो इसको ढंग से समझ भी नहीं पाए. लेकिन एक बहुत बड़ा हिंट मिल जाता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, और इसको मैथमेटिक्स के टर्म्स में भी समझाने की कोशिश की गई है. धन्वंतरी एक बहुत बड़े मेडिकल विशेषज्ञ थे. ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटीज इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा. तो आयुर्वेद के क्षेत्र में एक बहुत बड़े विशेषज्ञ थे. वाग्भट्ट जो थे ये एक फिजिशियन थे और आयुर्वेदिक सिस्टम को फॉलो करते थे. तो धन्वंतरी और वाग्भट्ट ये दोनों बहुत ही बड़े और बहुत ही फेमस वैद्य या डॉक्टर्स कह सकते हैं अपने जमाने के थे. और पालकप्य जो थे इन्होंने हस्त्य गर्वेद ये बुक लिखी थी जो कि एलिफेंट्स के डिजीजेस पर आधारित थी. उस जमाने में एलिफेंट्स जो थे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे क्योंकि वो सेना में रखे जाते थे, तो लड़ाकू हाथी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते थे सेना में. इसीलिए राजा इस तरह के जो स्वस्थ हाथी होते थे उनको रखते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे और उनको सेना में शामिल करते थे. तो उनके डिजीजेस पर ये बुक लिखी गई थी हस्त्य गर्वेद. कोर्ट लैंग्वेज जो थी वो संस्कृत थी और इसमें से अधिकतर जो बुक्स का मैंने आपके सामने उल्लेख किया है ये अधिकतर इसमें से संस्कृत में है और बहुत ही कठिन संस्कृत में है. इनको बाद में धीरे धीरे चल के कुछ
रचनाकारों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने इनको ट्रांसलेट करने की भी कोशिश की, लेकिन एज इट इज़ कभी भी ये ट्रांसलेशंस इनका आगे की पीढ़ियों को अवेलेबल नहीं हो पाया। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस विज्ञान, खगोल विज्ञान, मेडिकल साइंस, इन सब सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा विकास गुप्ता एम्पायर में हुआ था। इसलिए गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है। आप ये यदि हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक बार फिर से। नमस्कार।